हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए हम बेबी के लिए पजामा बनाना सीखेंगे। किस तरह से हमें पजामा बनाएंगे, वही डिजाइन मैंने इस पे डाला है जो स्वेटर पे बना रखा है। तो इसको मैंने यहाँ से 46 फंदों से 1 2 3 4 5 6 धारियाँ इसकी उल्टी उल्टी बनाई है, 12 सिलाइयाँ। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमारी है 1 2 3 4 4 सिलाइयाँ इसके बाद फिर डिजाइन। तो ये देखिए, इस पे मैंने ये मैं आपको बनाना बताती हूँ यहाँ से। ये देखिए, फिर हमने यहाँ से ये इसकी कटिंग करी है आसन की। इस तरह से मैं आपको कटिंग करना भी बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, 46 फंदों में हमने ये 6 धारियां बनाई, फिर 4 सिलाइयां उल्टी सीधी बनाई। अब 4 सिलाइयों के बाद एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड। तो ये जो हम फंदे बढ़ाएंगे, जब ये वाला डिजाइन बनना स्टार्ट होगा यहाँ से, तो एक फंदा हमने यहाँ बनाया। जब दूसरा डिजाइन बनना यहाँ पे स्टार्ट होगा, तब फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से दोनों साइड हम एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8वां फंदा हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हम इस कलर से सीधा बना देंगे। अब फिर से 7 फंदे हम इस कलर के, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8वां फंदा इस कलर का। एक पूरी सिलाई हम लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे। इस वाले धागे को हम 7 के साथ आगे तक लेते जाएंगे, 5 6 7 और 8वां फंदा इस कलर। ये 6 फंदे हो गए, ये 7 और 8वां फंदा हम इस कलर का। अब देखिए, उल्टी सिलाई में हमारे 2 इस कलर के हो गए, बाकी 5 फंदे हमारे ब्लू बनेंगे। अब 3 हमारे फिर से इस कलर के बनेंगे, 5 फिर ब्लू के। पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। अब अगली सिलाई पे देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास ये ब्लू वाले कम होते जाएंगे और जो लाइट कलर ले रखा है हमने, वो फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो अब ये वाले फंदे हमारे 5 हो जाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 और 5। अब ब्लू हमारे पास 3 ही बचेंगे। 4-4 सिलाइयों का ये डिजाइन है, तो ये हमारी तीसरी सिलाई है और अगली सिलाई पे हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी सिलाई मैं इस तरह से बना लेती हूँ, 5 हमारे लाइट कलर के और 3 ब्लू के। ये मैं बना लेती हूँ फिर उल्टी सिलाई पे। अब उल्टी सिलाई और डिजाइन की लास्ट सिलाई है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 4 फंदे लाइट कलर के बनाएंगे, 2 3 4। अब एक ही हमारा बीच में ब्लू कलर का बचेगा, बाकी 7 फंदे हमारे लाइट कलर के बन जाएंगे इस तरह से, 1 2
तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, और ये ब्लू का, और अगले सात फिर लाइट। तो पूरी सिलाई मैं इस तरह से बना लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे हम दोबारा से डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो मैं बताती हूँ फिर आपको। अब देखिए फ्रेंड, दोबारा से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो ए वाले फंदे हमारे साथ ब्लू बनेंगे अब, और ए वाला लाइट। अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ। जब भी हम दूसरा डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए फंदा बढ़ा लिया, एक दो हमारे ब्लू बन गए। अब ये जो ब्लू है इसको हम लाइट बना देंगे, और अगले हमारे सात फंदे ब्लू बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ए वाला ब्लू हमारा लाइट बनेगा। पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब उल्टी सिलाई पे हमारे पास ये तीन हो जाएंगे, और ये ब्लू वाले अब घटते जाएंगे। जैसे हमने ये डिजाइन बनाया वैसे ये बनाएंगे। अब देखिए, एक ये फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया, दो तीन चार फंदे हमारे ब्लू बने, तीन हमारे लाइट बने, पांच फंदे अब हमारे ब्लू के बनेंगे, तीन फिर लाइट के बनेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से ही बना देंगे। एक दो तीन, पांच ब्लू तीन लाइट, पूरी सिलाई बना देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास है तीसरी सिलाई पे पांच फंदे हो जाएंगे और ये तीन बचेंगे। देखिए, एक दो तीन चार और ये पांच, और तीन हमारे ब्लू के, एक दो तीन। इस तरह से पूरी सिलाई बना देंगे हमें। देखिए, पांच लाइट कलर के, तीन हमारे ब्लू कलर के। अब उल्टी सिलाई देखिए फ्रेंड, ये हमारी लास्ट सिलाई है इस डिजाइन की। तो हमारे पास अब एक ही फंदा है ब्लू कलर का बचेगा, और सात फंदे हमारे लाइट कलर के बन जाएंगे, दो तीन चार पाँच छः और ये सात, और एक फंदा ब्लू का। फिर सात फंदे हमारे लाइट कलर के। तो पूरी सिलाई मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए, ये जो हमारे तीन पहले ब्लू के हैं, एक ही बचेगा हमारे पास ये। अब ये देखिए फ्रेंड, एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये वाला डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से देखिए, एक दो तीन चार, चार डिजाइन बनाए मैंने। और ये देखिए, इसमें इन चार डिजाइनों में आठ फंदे हमारे इस साइड बढ़े हैं, आठ ही इस साइड, क्योंकि जब हम ए कलर लगाएंगे तब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, जब ए लगाएंगे तब भी यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, दोनों कोनों पे। तो अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ से फिर से हमने दोबारा वही डिजाइन स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, ये फंदा हमने बढ़ा दिया, ये जो हमारे सात फंदे हैं ये हमारे अब इस कलर के बन जाएंगे, ब्लू के। और जो ब्लू वाला है उसको हम लाइट कलर का बना देंगे। बस यही चेंज करना है हमने हर एक चार सिलाई के बाद। देखिए, पहले ब्लू था, अब इसको इस कलर से बना दिया। तो फ्रेंड, ये आगे तक मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ये चार डिजाइन, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, चार डिजाइने, एक दो तीन चार, ये चार डिजाइन तक, यहाँ तक आप बना लीजिए इसको। फिर इसके बाद फिर हम फंदे बढ़ाएंगे और कम भी करेंगे, तो ये हम बाद में बनाएंगे। यहाँ तक ये देखिए, चार सिलाइयाँ इसकी, चार इसकी, चार इसकी, चार इसकी, सोलह सिलाइयाँ आप ये बना लीजिए।
ये चार डिजाइनों के ऊपर। फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको आगे हमने किस तरह से बनाना है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन बनाने के बाद एक दो तीन चार, ये चार डिजाइन बना लिए मैंने। देखिए एक दो तीन चार, चार चार सिलाइयाँ हैं और सभी डिजाइन में इन चार सिलाइयों में एक बार इधर फंदा बढ़ाया, एक बार इधर, इसमें भी एक बार इधर, एक बार इधर, इसमें भी, इसमें भी। अब देखिए अब हम इस तरह का आसन बनाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पहले हम फंदे बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो देखिए कितने फंदे हम बढ़ाएंगे और कितने घटाएंगे। पांच फंदे यहाँ बढ़ाएंगे, पांच हम यहाँ, हर एक सिलाई में, सीधी में भी और उल्टी में भी। तो देखिए पहला फंदा हमने ऐसे उतारा और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे और पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। ये फ्रेंड आजकल बच्चों को डायपर पहनाते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए हमें ये थोड़ा चौड़े वाला आसन चाहिए यहाँ पे, ताकि डायपर बच्चों को अच्छे से पहना सकें और ये पजामा बिल्कुल फिट रहे। तो इसलिए मैं इस तरह का आपको ये आसन बनाना बता रही हूँ। तो पूरी सिलाई हम लास्ट तक इस तरह से बना देते हैं, फिर एक फंदा हम उस साइड बढ़ाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में भी हम एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे और इस फंदे को फिर सीधा बना देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड उल्टी सिलाई में भी हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे पहले और पूरी सिलाई अब उल्टी बना देंगे, और दूसरे कोने पे भी हम उल्टी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, सीधी में भी। तो इस कलर में हमारे चार फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे, चार ही उस साइड, और एक एक सिलाई में हमारी दूसरे कलर की जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक एक दोनों साइड बढ़ेंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छह सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। चार इसकी और एक उसकी, सॉरी दो उसकी। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों सिलाइयों में उल्टी भी सीधी में दोनों में फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से हमारे पांच फंदे बढ़ गए हैं, ये देखिए यहाँ से आगे, और पांच ही हमारे यहाँ बढ़े। तो पहले हमारे पास यहाँ तक के 66 फंदे थे, 66 फंदे, और उसके बाद पांच इस साइड बढ़ाए, पांच उस साइड, तो हमारे पास 76 फंदे हो गए। अब हम तीन फंदे इस साइड से कम करेंगे, तीन ही दूसरी साइड से, तो हर एक सिलाई में ही कम करेंगे। हमें भी सीधी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए थे और उल्टी हमने पूरी उल्टी ऐसे ही बना ली थी, इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब इसके बाद देखिए दो का एक करेंगे हम इस साइड से, इस तरह से तीन फंदे घटाएंगे हम, एक एक फंदा हर एक सिलाई में, सीधी में भी और उल्टी में भी। तो ये पूरी सिलाई में आगे तक बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड बताती हूँ किस तरह से हम फंदे कम करेंगे। अब देखिए अब इस साइड भी हम दो का एक करेंगे, तो इस साइड से करेंगे, ये देखिए दो का एक कर दिया और अगला फंदा वैसे ही बना दिया। अब इसके बाद उल्टी सिलाई में भी हम दो का एक कर देंगे, पहला फंदा ऐसे उतारा और ये दो का एक कर दिया, पूरी सिलाई आगे तक इसी तरह से बना देंगे और दूसरे कोने पे भी हम दो का एक करेंगे। इसके बाद एक फंदा यहाँ घटाएंगे और एक ही वहाँ पे, यहाँ पे हमने तीन तीन ही फंदे घटाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ, तीन तीन फंदे घटा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमारे फंदे कम हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम सभी सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाते जाएंगे। ये देखिए आसन बन के हमारा कम्प्लीट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर मैंने इतना बना लिया है। अब हम 10 ओंगल बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे रखिए इस तरह से, ये और दो और इतना और बनेगा। ये बच्चे के हिसाब से इतना ठीक है, एक साल के बच्चे के लिए। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको आगे हमने किस तरह से बनाने हैं। बस इसी तरह से हमने, अब ये जो फंदे हमारे हैं इनको ना कोई फंदे घटाने हैं ना कोई बढ़ाने हैं, अब इन्हीं फंदों को हम 10 ओंगल तक बढ़ा देंगे। ओंगल मैंने आपको बता दिया इस तरह से, 8 और 2 10। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन बनाने के बाद एक दो तीन चार, ये चार डिजाइन बना लिए मैंने। देखिए एक दो तीन चार, चार चार सिलाइयाँ हैं और सभी डिजाइन में इन चार सिलाइयों में एक बार इधर फंदा बढ़ाया, एक बार इधर, इसमें भी, एक बार इधर, एक बार इधर, इसमें भी, इसमें भी।
अब देखिए, अब हम इस तरह का आसन बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पहले हम फंदे बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। तो देखिए कितने फंदे हम बढ़ाएंगे और कितने घटाएंगे। पांच फंदे यहाँ बढ़ाएंगे, पांच हम यहाँ हर एक सिलाई में, सीधी में भी और उल्टी में भी। तो देखिए पहला फंदा हमने ऐसे उतारा और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे और पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। ये फ्रेंड आजकल बच्चों को डायपर पहनाते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए हमें ये थोड़ा चौड़े वाला आसन चाहिए यहाँ पे, ताकि डायपर बच्चों को अच्छे से पहना सकें और ये पजामा बिल्कुल फिट रहे। तो इसलिए मैं इस तरह का आपको ये आसन बनाना बता रही हूँ। तो पूरी सिलाई हम लास्ट तक इस तरह से बना देते हैं, फिर एक फंदा हम उस साइड बढ़ाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में भी हम एक फंदा यहाँ बढ़ा देंगे और इस फंदे को फिर सीधा बना देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड उल्टी सिलाई में भी हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे पहले और पूरी सिलाई अब उल्टी बना देंगे और दूसरे कोने पे भी हम उल्टी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, सीधी में भी। तो इस कलर में हमारे चार फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे, चार ही उस साइड, और एक एक सिलाई में हमारी दूसरे कलर की जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक एक दोनों साइड बढ़ेंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छह सिलाइयां मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। चार इसकी और एक उसकी, सॉरी दो उसकी। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों सिलाइयों में उल्टी भी सीधी में दोनों में फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से हमारे पांच फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए यहाँ से आगे और पांच ही हमारे यहाँ बढ़े। तो पहले हमारे पास यहाँ तक के 66 फंदे थे, 66 फंदे, और उसके बाद पांच इस साइड बढ़ाए, पांच उस साइड, तो हमारे पास 76 फंदे हो गए। अब हम तीन फंदे इस साइड से कम करेंगे, तीन ही दूसरी साइड से। तो हर एक सिलाई में ही कम करेंगे। हमें भी सीधी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए थे और उल्टी हमने पूरी उल्टी ऐसे ही बना ली थी, इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब इसके बाद देखिए दो का एक करेंगे हम इस साइड से, इस तरह से तीन फंदे घटाएंगे हम, एक एक फंदा हर एक सिलाई में, सीधी में भी और उल्टी में भी। तो ये पूरी सिलाई में आगे तक बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड बताती हूँ किस तरह से हम फंदे कम करेंगे। अब देखिए, अब इस साइड भी हम दो का एक करेंगे, तो इस साइड से करेंगे। ये देखिए दो का एक कर दिया और अगला फंदा वैसे ही बना दिया। अब इसके बाद उल्टी सिलाई में भी हम दो का एक कर देंगे। पहला फंदा ऐसे उतारा और ये दो का एक कर दिया, पूरी सिलाई आगे तक इसी तरह से बना देंगे और दूसरे कोने पे भी हम दो का एक करेंगे। इसके बाद एक फंदा यहाँ घटाएंगे और एक ही वहाँ पे, यहाँ पे हमने तीन तीन ही फंदे घटाने हैं। तो मैं बना लेती हूँ, तीन तीन फंदे घटा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारे फंदे कम हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम सभी सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाते जाएंगे। ये देखिए आसन बन के हमारा कम्प्लीट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर मैंने इतना बना लिया है। अब हम 10 उंगल बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे रखिए इस तरह से, ये और दो और इतना और बनेगा। ये बच्चे के हिसाब से इतना ठीक है, एक साल के बच्चे के लिए। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको आगे हमने किस तरह से बनाने हैं। बस इसी तरह से हमने, अब ये जो फंदे हमारे हैं इनको ना कोई फंदे घटाने हैं ना कोई बढ़ाने हैं। अब इन्हीं फंदों को हम 10 उंगल तक बढ़ा देंगे। उंगल मैंने आपको बता दिया इस तरह से, 8 और 2 10। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, एक कंप्लीट हो गया पजामा। तो देखिए आसन से ऊपर हमने ये देखिए 4 और 2 10। अब इसको सिलेंगे हम आसन से। एक साइड ये देखिए मैंने सिल रखी है और दूसरी साइड सिलेंगे। देखिए सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे दोनों पार्टों की, और इसकी भी उल्टी बार को इसकी भी। अभी दोनों को इस तरह से मिलाएंगे आसन को। और पहले यहाँ से ऊपर सिलेंगे, यहाँ नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से
देखिए किस तरह से सिलेंगे हम इसको। ये देखिए अंदर की साइड से इस तरह से, ये ऊपर तक हम इसी तरह से सिल देंगे इसको। इसके बाद फिर हम नीचे मोरी से सिलना स्टार्ट करेंगे इसको पजामे को। तो ये मैं सिल लेती हूँ ऊपर तक, बस इसी तरह से देखिए हमने सिलते जाना है। अब ये देखिए फ्रेंड ये सिल लिया मैंने। अब देखिए ये हम नारा डालने के लिए यहाँ पे इतना सा सिलेंगे। तो यहाँ से हम पहले थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, हमने पतला ही नाड़ा डालना है इसमें ये रबड़। तो हम एक ही धारी पे, नीचे वाली जो हमारी धारी है एक पे ही हम इसको सिलते जाएंगे इस तरह से। देखिए पूरी सिलाई हम इसी तरह से सिल देंगे लास्ट तक। जहाँ से सिलना स्टार्ट करा है वहाँ तक हम इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ये सिल लेती हूँ पूरा राउंड में। अब देखिए फ्रेंड ये वाली टांग मैंने सिल ली है और ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मिलाएंगे दोनों को। अरे देखिए दो बार यहाँ से सिल देंगे, एक और एक दो। अब इसी तरह से हम मिलाते हुए ऊपर तक सिल देंगे इसको। यहां से लेके आसन तक सिल देंगे। ये मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे मैं इलास्टिक डालना बताती हूँ आपको किस तरह से डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो ये हमारा डबल है, एक साइड है देखिए नीचे और एक ऊपर। अब देखिए इतना इलास्टिक लेंगे हम और इसको भी डबल कर देंगे। तो देखिए कितना छोटा लेंगे, यहाँ से नापेंगे एक कोने से। ये देखिए और ये इसके हमने बराबर ले लिया है क्योंकि इतनी अभी हमने इसमें गांठ भी लगानी है तो इतना छोटा हो जाएगा। तो मैं ये डाल लेती हूँ, जो भी आपके पास होता है ये नाड़ा डालने वाला उससे आप पे डाल लीजिए। जहाँ से हमने ये देखिए ये छोड़ रखा है इसमें नारा डालने के लिए, इलास्टिक यहाँ से डालेंगे हम फिर गांठ लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड इलास्टिक डाल दिया मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गांठ इस तरह से। तो मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड किस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर पजामा बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए इलास्टिक डालें तो इस तरह से चूंटे आती हैं यहाँ पे। ये देखिए और ये दूसरी टांग, ये देखिए बिल्कुल बराबर और सेम डिजाइन। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। फ्रेंड आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।